कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश छेड़ा पुलिस के हत्थे, 6 मोबाइल फोन और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। आरोपी की गिरफ्तारी के साथ 11 मामले सुलझाए गए। आउटर जिले के मुंडका थाना पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान प्रीतम चरण उर्फ दीपक के रूप में हुई है। पुलिस को उसके कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 3 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। आरोपी प्रीतम चरण की गिरफ्तारी के साथ 11 मामले सुलझाए गए हैं। आरोपी पहले चोरी के 15 मामलों में शामिल था। बारी जिले के एडिशनल डीसीपी अमित वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत काम करते हुए थाना मुंडका के स्टाफ ने गश्त के दौरान सूचना मिली कि लंबे समय से फरार चल रहा मुंडका का हिस्ट्री शीटर शनि मंदिर बकड़वाला के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर पेट्रोलिंग स्टाफ ने बकड़वाला के सामने जाल बिछाया और एक युवक को काबू कर लिया, जिसकी पहचान प्रीतम चरण उर्फ दीपक निवासी किड़ाड़ी के रूप में हुई है। बाह्य जिला की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक बैड कैरेक्टर हिस्ट्री शीटर को अमुंडका पीएस के एरिया से पकड़ा है। ये अमुंडका पीएस का बीसी था और इसका नाम प्रीतम है। और इसका जो काम था मेनली वो थेफ्ट था, चोरी का काम करता था ये। इसको पकड़ने से मुंडका, हमारा जो आउटर जिला है उसमें मुंडका और रनौला दोनों थानों का मिला करके 11 केसेज वर्कआउट हो गए हैं। और इस पर पहले भी प्रीवियस 15 इन्वॉल्वमेंट्स हैं। इसके पजेशन से हमने 6 मोबाइल और 3 मोटरसाइकिल्स बरामद की हैं। और निश्चित रूप से ये पुलिस के लिए एक सराहनीय काम रहा और सफलता का काम। आरोपी प्रीतम थाना मुंडका का कुख्यात बदमाश है जो मई से फरार चल रहा था। उसकी तलाशी के दौरान उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। इन मोबाइल फोनों की जाँच में ये थाना मुंडका के तहत चोरी के मिले। उनकी निशानदेही पर बकड़वाला स्थित उसके घर पर भी छापा मारा गया और उसके घर से 4 और मोबाइल फोन बरामद किए गए। उसके घर से आगे और पीछे 3 मोटरसाइकिलें भी खड़ी मिली। इन मोटरसाइकिलों के रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटो मैच पर चेक किए गए, जो थाना मुंडका और थाना रनहोला के क्षेत्र से चोरी की पाई गई। इसका प्रोफाइल क्या सर, कहां रहने वाला है? ये एक 9th क्लास पास व्यक्ति है जो कि बकड़वाला जे कॉलोनी बकरवाला में रहता है। और ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, जैसे कि मैंने बताया कि 15 इसके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स भी थे। और ये हिस्ट्री शीटर है मुंडका पीएस का। और क्योंकि इसका खुद का ही कहना है, अनएम्प्लॉयड है, 9th पास है, और इसका खुद का ही कहना है कि सर मैं, क्योंकि ही इज अ ड्रग अडिक्ट। जो भी इसके प्रीवियस मामले हैं 15 मुकदमे जो आप बता रहे हो, तो सारे चोरी के ही हैं सर? सारे के सारे चोरी के ही हैं। और एक चीज़ और जो मैं बता रहा था कि ये ड्रग अडिक्ट है, एज ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड कि ये ड्रग अडिक्ट है, तो ड्रग्स की सप्लाई या ड्रग्स की पूर्ति के लिए इसने ये काम स्टार्ट किया कि थेफ्ट करता था और जो भी आ जाता था तो उसको बेच करके ये वो ड्रग जो भी ये यूज करता है नशाबाजी के लिए उन पैसों का प्रयोग करता था। तो इस वजह से इसके हैबिचुअल ऑफेंडर बनने में भी कहीं ना कहीं ड्रग अडिक्शन एक कंपेलिंग फैक्टर रहा है। सर इसके साथ और भी कोई शामिल है सर? नहीं, इसके साथ और कोई शामिल नहीं है, ये सिर्फ अकेला ही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह बेरोजगार है और बुरी संगत में पड़ने के कारण वह कम उम्र में ही ड्रग एडिक्ट हो गया। ड्रग से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी और मोटर व्हीकल चोरी के अपराध करने शुरू कर दिए। पूछताछ में वह पहले भी चोरी के 15 मामलों में संलिप्त पाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो लड़का नशे का आदी था और बेरोजगार भी। अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना और लूटपाट चोरियां करने लगा। वह कई बार जेल भी गया, लेकिन बाहर आकर उसे जरायम का धंधा ही पसंद आया। लेकिन इस बार पुलिस की पैनी नजर उस पर लगी हुई थी और वो पुलिस के शिकंजे में फंस गया और पहुंच गया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।